मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ के चिकित्सक द्वारा लापरवाही बरता गया है इलाज में, जिसके चलते उसकी जान चली गई है। इस जान का सारा जिम्मेवारी अस्पताल का जो वरीय पदाधिकारी है, चिकित्सक है, वो है इसके लिए जिम्मेवार। शेरघाटी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजन लगा रहे लापरवाही का आरोप। परसों के लिए शेरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल आई 24 साल की महिला ममता देवी की रविवार की रात यहां अत्यधिक रक्त श्राव से मौत हो गई। शेरघाटी थाने के खड़ार जगदीशपुर गांव की इस महिला ने बच्चे को जन्म देने के करीब 2.5 घंटे बाद अस्पताल के मरीज वार्ड में आखिरी सांस ली। नवजात स्वस्थ है। मरीज की मौत के बाद वहां मौजूद परिजनों के बीच चित्कार मच गई। खबर सुनकर गांव से भी कुछ लोग अस्पताल पहुंच गए। घबराए अस्पताल कर्मियों ने परिजनों के हंगामे के डर से पुलिस भी बुला ली थी। परिजनों ने बताया कि परसों पीड़ा की शिकायत पर रविवार की शाम उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत की शिकार बनी इस महिला का यह दूसरा बच्चा था। उसे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। महिला के पति सुनील कुमार, ससुर बेचू यादव और एक नज़दीकी रिश्तेदार रविंदर यादव ने मरीज की मौत के लिए चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही को मुख्य वजह बताते हुए पुलिस से शिकायत भी की है। शिकायत में महिला कर्मियों द्वारा पैसे मांगे जाने का भी आरोप लगाया गया है। इधर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर रमेश कुमार और लेबर रूम में तैनात एक महिला कर्मी अति शिखा ने बताया कि महिला को सामान्य ढंग से डिलीवरी हुई थी। उसे कुछ देर बाद लेबर रूम से निकालकर मरीजों के वार्ड में ले जाया गया था। अचानक उसकी हालत बिगड़ने पर पुनः स्थिति संभालने की कोशिश की गई। जो कुछ संभव था किया गया। बाद में उसे रेफर कर दिया गया और एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। मामला ऐसा है सर कि मेरी भागिनी पुथू होती है, सुनील मेरा भागना हुआ, उसकी पत्नी ममता कुमार है। उसको 5:15 बजे घर पर पेन हुआ, क्योंकि उसका डिलीवरी होना था, तो हम लोग उसको रेफरल हॉस्पिटल से घाटी भेजा और वो 7 बजे यहाँ पर एडमिट हो जाती है और 7:37 में उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है, एक बच्चा जन्म लेता है। उसको डिलीवरी के 5 मिनट के बाद तुरंत ही उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और 9:30 बजे उस जो परसों पीड़ित महिला है ममता कुमारी, उसकी सास या उसके परिजन बताते हैं कि इसका ब्लडिंग जारी है, कोई आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको फिर 9:30 बजे लगभग उसको 9:43 में उसको पुनः यहाँ पर बेड पर लाया जाता है जहाँ पर डिलीवरी होता है और 10:15 बजे के लगभग उसकी मौत हो जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ के चिकित्सक द्वारा लापरवाही बरता गया है इलाज में, जिसके चलते उसकी जान चली गई है। इस जान का सारा जिम्मेवारी अस्पताल का जो वरीय पदाधिकारी है, चिकित्सक है, वो है इसके लिए जिम्मेवार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ।